कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस के बरसर इख्तदार में आने पर 22 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर ने वादा किया है कि महकमे पंचायत में 10 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और कहा है कि हिंदुस्तान जाग चुका है और ये समझ गया है कि चौकीदार चोर है। उन्होंने हर माह गरीबों के अकाउंट में रकम मुंतकिल करने का वादा भी किया। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं, कर्जा माफी की बात करते हैं, क्या हो गया भैया? आपने देखा होगा आजकल, देखना टीवी पे आएगा, देखना आजकल नरेंद्र मोदी जी के सामने दो शीशे लगते हैं, आईने लगते हैं, देखे आपने? देखे ना, टेलीप्रॉम्प्टर वाले कंट्रोलर उनसे कहता है, मोदी जी आज ये कहना है, उस पर लिख के लिखा आता है, मोदी जी कहते हैं, कंट्रोलर ने कहा है भ्रष्टाचार की बात मत करना, राहुल गांधी राजभवन की बात करेगा। कंट्रोलर कहता है फंडाबाद की बात मत करना, राहुल गांधी 3,60,000 रुपए दे रहा है। किसानों के कर्जे की बात पर बात मत करना, उधर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ कर दिया है। मोदी जी ध्यान से बोलिए, आप किसानों की बात नहीं कर सकते, आप छोटे दुकानदारों की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने नोटबंदी की, आप युवाओं की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ध्यान से बोलिए, और मोदी जी ना किसान की बात करेंगे, ना बेरोजगार की, ना 15 लाख की, ना युवाओं के रोजगार की। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझ गया हूं। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया राफेल पे, और मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे। नरेंद्र मोदी जी आपने